सलमान खान बॉलीवुड के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्टार हैं। उनकी पॉपुलैरिटी देश विदेश तक है। इन दिनों सलमान अपनी अपकमिंग फिल्म ट्यूबलाइट का प्रमोशन कर रहे हैं। इसके लिए वो कई इवेंट और इंटरव्यू सेशन को अटेंड करते नजर आ रहे हैं। हाल ही के एक इंटरव्यू में सलमान ने अपने परिवार के बारे में कुछ बातें बताई हैं। सलमान ने बताया कि जब वो कोर्ट केस में फंसे हुए थे तो उनकी पॉपुलैरिटी में गिरावट आ गई थी। पिछले 20 साल से वो हिट एंड रन केस, चिंकारा केस और फिर ब्लैक बक केस को झेल रहे थे। इस दौरान उन्हें काम मिलना भी बंद हो गया था। इस केस की वजह वो काफी हताश रहने लगे थे। हालांकि वो सभी केस में बरी हो गए हैं, लेकिन उन दिनों के बारे में याद कर अभी भी काम जाते हैं। उस दौरान सलमान खान की फैमिली भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। सलमान ने हफिंगटन पोस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा, मेरे फैंस मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं सारे केस में बरी हुआ। सलमान आगे कहते हैं, हर किसी का एक पास्ट होता है, मेरा भी है। मेरे ऊपर ऐसे केस चल रहे थे जो मैंने किए ही नहीं थे। मैं हर दूसरे दिन कोर्ट के चक्कर लगाता था, खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता था। लोग बेवजह मुझे जज करने की कोशिश करते थे। 20 साल तक मैंने और मेरे परिवार ने बहुत कुछ झेला है। मेरे केस में घर की सारी सेविंग खत्म हो गई थी। 20 साल एक बहुत लंबा समय होता है। उस समय मेरा सारी पॉपुलैरिटी मिट्टी में मिल गई थी।